जी गाइस, आज हमारे पास कैनन का 60 मार्क टू कैमरा, साथ में हमारे पास है टेमरॉन का 70-200 G2 लेंस। कैनन ने तकरीबन अपने हाई एंड कैमरा के तमाम फीचर्स कैमरे के अंदर डाले हुए हैं और ये कैनन का मोस्ट हार्ड सेलिंग कैमरा भी है। हम इस कैमरे के तमाम फीचर्स का टेस्ट करेंगे, हाई ISO का, डायनामिक रेंज का, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस, जो जिसके फीचर्स हैं हम उस सब का टेस्ट करेंगे। बेसिकली इस वीडियो के चार पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको इस कैमरा की बेस्ट सेटिंग बताऊंगा, दूसरे नंबर पे इस कैमरा से मैं आपको शूट करके बताऊंगा, तीसरे नंबर पे मैं आपको इसके की फीचर्स बताऊंगा और चौथे नंबर पे मैं आपको इसकी प्राइस गाइड करूंगा न्यू में एंड यूज। सबसे पहले आपने मेन्यू का बटन दबाना है और मेन्यू में आ जाना है। फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट ऑप्शन पे आपको मिलेगा इमेज क्वालिटी, आपने इसको लार्ज सेट कर देना है, JPG लार्ज सेट कर देना है। देन सेकंड नंबर पे आपने आना है, यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे देखने को मिलेगा वाइट बैलेंस, वाइट बैलेंस आपने केल्विन सेट करना है और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। मैं वक्त इसको 4700 रख रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी वैल्यू आपको रिक्वायर हो, लेकिन आपने इसका ऑटो वाइट बैलेंस यूज़ नहीं करना क्योंकि वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता। सबसे आखिर पे आपको देखने को मिलेगा कलर स्पेस, कलर स्पेस आपने sRGB सेट कर देनी है। अगर आपने एडिटिंग ज़्यादा करनी है फिर आप इसको Adobe भी कर सकते हैं, वक्त इसको मैं sRGB कर रहा हूँ। देन उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन पे आपको सबसे टॉप पे देखने को मिलेगा पिक्चर स्टाइल, पिक्चर स्टाइल आपने स्टैंडर्ड रखना है और इसकी डिटेल्स में जाना है। जो ही आप इसकी डिटेल में जाएंगे, शार्पनिंग में आपने स्ट्रेंथ को 2 स्टॉप इंक्रीज कर लेना है, देन उसके बाद कंट्रास्ट आपने 0 ही रखना है और सैचुरेशन 1 स्टॉप आपने इंक्रीज कर लेनी है। देन पिक्चर स्टाइल सेट करने के बाद आप दोबारा मेन्यू में आ जाएं और यहाँ पे आपको हाई ISO स्पीड NR देखने को मिलेगा, आपने इसको स्टैंडर्ड पे सेट कर देना है। उसके बाद आपको हाई टून प्रायोरिटी देखने को मिलेगी, आपने इसको ऑफ कर देना है और जो HDR मोड है आपने भी इसको डिसेबल कर देना है। और चौथे नंबर पे जब आप आएंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ एस्पेक्ट रेशियो, आपने इसको 3:2 ही रखना है, बाकी ISO शटर स्पीड और अपर्चर आपने कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। सबसे पहले हमने इस कैमरे की स्किन कलर टोन को चेक करने की कोशिश की है, तकरीबन शाम का टाइम हो गया था, शाम के टाइम इसकी जो कलर टोन को रेट करूंगा 10/10 में रेट करूंगा। इस पिक्चर में हमने इस कैमरा के ऑटो वाइट बैलेंस को टेस्ट करने की कोशिश की है, तकरीबन क्लाउडी मौसम था और बारिश लगने वाली थी, जो इस कैमरा ने परफॉर्म किया उसको मैं 10/9.5 रेट करूंगा। 60 Mark II की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है, तकरीबन आधा घंटा हमने इस कैमरे के साथ शूट किया और मोस्टली पिक्चर्स हमें फोकस में मिले हैं। इस कैमरे की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड को 10/9 में रेट करूँगा। अगर आप इस कैमरे से पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो ये कैमरा आपके लिए बनना है, 70-200 2.8 लेंस के साथ जो पोर्ट्रेट निकल के आए आपके सामने। फुल लेंथ फोटो में भी हमने इस कैमरा के पोर्ट्रेट को टेस्ट करने की कोशिश की है, जो इस कैमरा के साथ ब्लर निकल के आया बहुत ही आउट क्लास निकल के आया। इस कैमरा के पोर्ट्रेट शूट को मैं 10/9.5 रेट करूंगा। लो लाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इस बार हमने इस कैमरा की डायनामिक रेंज को टेस्ट करने की कोशिश की है, जो फ्लैश लाइट हमने यूज़ की है वो गोडॉक्स की 562 फ्लैश लाइट यूज़ की है और आप देख सकते हैं जो स्काई का टेक्सचर और जो स्किन का टेक्सचर है बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा निकल के आया है। इस बार हमने इस कैमरा की शार्पनिंग को टेस्ट करने की कोशिश की है और हमने जो पिक्चर्स क्लिक किए हैं वो थोड़ी सी मोशन में पिक्चर क्लिक किए हैं और लो लाइट में मोस्टली कैमरा शार्पनिंग लूज़ कर देते हैं जब भी हम किसी भी टाइप की मोशन फोटोग्राफी कर रहे हों। इस कैमरा की शार्पनिंग को मैं 10/10 रेट करूँगा। इस बार हमने इस कैमरा के फोकस को टेस्ट करने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो लाइट है बहुत ही ज़्यादा है और मॉडल के फेस पे लाइट बहुत ज़्यादा कम पड़ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में मोस्टली कैमरा फोकस ही नहीं कर पाता, लेकिन इस कैमरे के फोकस को मैं 10/10 रेट करूँगा। अगर आप इस कैमरा से ड्रामेटिक या सिनेमेटिक टाइप का शूट करना चाहते हैं तो ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा इस टाइप के शूट्स के लिए, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कितना ज़्यादा ड्रामेटिक लुक बन के आया है। कैनन 60 Mark II की ISO बूस्ट परफॉर्मेंस का तो मैं फ़ैन ही हो गया हूँ, तकरीबन मैंने 3200 तक इस कैमरे के ISO को बूस्ट करके चेक की और नाइस बिल्कुल नहीं थी पिक्चर्स में, ISO परफॉर्मेंस को मैं 10/10 रेट करूँगा। इस बार हमने इस कैमरे की बूके फोटोग्राफी को टेस्ट करने की कोशिश की है, देख सकते हैं आप बैकग्राउंड्स में लाइट बिल्कुल ना होने के बराबर थी लेकिन फिर भी बूके काफ़ी अच्छे निकल के हैं और हमने कुछ फेक बूके भी ऐड किए हैं पिक्चर में, रिजल्ट आपके सामने।
26 मेगापिक्सल का यह कैमरा है। इसकी जो ISO रेंज है 100 से लेकर 40,000 तक इसकी ISO रेंज है। इसका जो मैक्सिमम शटर है 1/8,000 तक इसका मैक्सिमम शटर जाता है। इसके अंदर आपको टच कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे और ये जो बॉडी है ये वेदर सील बॉडी है। अगर थोड़ी बहुत भी वेदर कंडीशन अच्छी नहीं होती तो ये इसको ईजिली बियर कर लेगी। अब बात करें इसकी प्राइस की, इसकी न्यू की जो प्राइस है पाकिस्तानी मार्केट में 2,80,000 रुपये इसकी बॉडी की प्राइस है। अगर आपने यूज़ में लेनी है 1,80,000-1,90,000 रुपये में आपको ये बॉडी कहीं से भी आपको अवेलेबल हो जाएगी।